अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं अल कलम इन्फो। साइंसदानों के मुताबिक इस कायनात को बने हुए तकरीबन 13.7 अरब साल हो चुके हैं और सैयारे ज़मीन को वजूद में आए तकरीबन 4.54 अरब साल हो चुके हैं। ये ज़मीन जब से वजूद में आई है तब से इस पर हर ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात आबाद रही हैं। इंसान को इस ज़मीन पर आए हुए लाखों साल हो चुके हैं और ये बात सभी जानते हैं कि इंसान से पहले इस ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे और आज भी आबाद हैं। लेकिन क्या जिन्नात से पहले भी इस ज़मीन पर कोई मखलूक रहती थी? और अगर जिन्नात से पहले इस ज़मीन पर कोई मखलूक रहती थी तो वह मखलूक क्या थी, उसका नाम क्या था, वो किस चीज़ से बनी थी, वो कैसी दिखती थी और आज वो मखलूक कहाँ हैं? अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस ज़मीन पर इंसान और जिन्नात से पहले कोई मखलूक नहीं गुजरी, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि इंसान और जिन्नात से पहले भी इस ज़मीन पर कई किस्म की मखलूकात आबाद थीं। चुनाचे अल्लामा इब्ने कसीर अपनी किताब अल-बिदाया वन-निहाया में लिखते हैं कि जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसान से पहले पैदा किया गया और जिन्नात से पहले इस ज़मीन पर हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थी और फिर अल्लाह ताला ने जिन्नात को हिन और बिन पर मुसल्लत कर दिया और जिन्नात ने इन्हें मार मार कर कत्ल कर दिया और जो बाकी रह गए उन्हें मार मार कर इस ज़मीन से भगा दिया और ख़ुद इस ज़मीन पर आबाद हो गए। लिहाजा इस ज़मीन पर जिन्नात से पहले भी कई मखलूक़ात आबाद थीं जिन्हें हिन और बिन कहा जाता था। और क़ुरान करीम से भी ये बात सराहतन तो नहीं अलबत्ता इशारतन मालूम होती है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना नायब यानी खलीफा बनाने जा रहा हूँ, قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ए हमारे परवरदिगार, क्या तू इस ज़मीन पर ऐसी मखलूक को अपना नायब और खलीफा बनाने जा रहा है जो इस ज़मीन पर फसाद करेगी और एक दूसरे का खून बहाएगी? फरिश्तों ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो इससे पहले जिन्नात और हिन और बिन नामी मखलूक को देख चुके थे कि उन्होंने इस ज़मीन पर फसाद बरपा किया और एक दूसरे का खून बहाया और एक दूसरे को कत्ल किया। इसी वजह से फरिश्तों ने इंसान को भी इन मखलूकात पर कियास किया कि यह भी इस ज़मीन पर फसाद बरपा करेगा और जंग व जिदाल करेगा। इस आयत से ये बात मफहूम होती है कि इस ज़मीन पर इंसान से पहले भी कई मखलूकात आबाद रही हैं। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये नकल किया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले यानी इंसान के इस ज़मीन पर आने से पहले इस ज़मीन पर तकरीबन 2000 साल गुजरे हैं। इस ज़माना में यहाँ हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थी। इस मखलूक ने ज़मीन पर फसाद किया और एक दूसरे को कत्ल किया और एक दूसरे का खून बहाया तो अल्लाह ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा और एक रिवायत के मुताबिक जिन्नात को इन पर मुसल्लत कर दिया और जिन्नात और फरिश्तों ने इस मखलूक यानी हिन और बिन को मार मार कर कत्ल कर दिया और जो बाकी रह गए उन्हें इस ज़मीन से भगा डाला और ख़ुद इस ज़मीन पर आबाद हो गए। और इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी ये बात नकल की गई है कि इस ज़मीन पर हिन और बिन रहते थे, फिर इनके बाद इस ज़मीन पर जिन्नात आबाद हुए और ये जिन्नात कई अरसे तक अल्लाह की इबादत करते रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये अल्लाह के नाफरमान और सरकश होते चले गए और इस ज़मीन को जंग व फसाद से भर दिया। फिर अल्लाह ने इनकी तरफ एक फरिश्ते को भेजा जिसका नाम यूसुफ था, लेकिन जिन्नात ने इस फरिश्ते की इताअत न की तो अल्लाह ने इन पर आसमान से फरिश्तों के लश्कर भेजे और फरिश्तों ने इन्हें मार मार कर इस ज़मीन से समंदर के जज़ीरों की तरफ भगा डाला और ये इस ज़मीन पर तकरीबन 1000 साल तक आबाद रहे। जबकि बाज़ तारीख़ी किताबों में इनके अलावा और भी कई मखलूक़ात का ज़िक्र मिलता है। चुनाचे बाज़ किताबों में है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म की कई मखलूक़ात पैदा की। इनकी सूरतें भी अजीब व गरीब थीं। चुनाचे एक मखलूक ऐसी थी जिसके पर थे, ये उड़ने वाली मखलूक थी, और एक मखलूक ऐसी थी जिसके दो मुँह थे, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, और इसके पाँव बहुत सारे थे। जबकि एक मखलूक ऐसी थी जिसका जिस्म तो शेर की तरह था लेकिन सर परिंदों की तरह, इसके लंबे लंबे बाल और दुम भी थी और ये मक्खियों की तरह बिन बिनाते थे
जबकि एक मखलूक ऐसी थी जिसका चेहरा तो इंसान की तरह था लेकिन कमर और पेट कछुए की तरह, इसके सर पर गेंडे की तरह एक सींग था। यह मखलूक कुत्तों की तरह भौंकती थी। जबकि एक मखलूक ऐसी थी जिसके दांत छुरी और खंजर नुमा थे और इसके कान हाथी की तरह लंबे लंबे थे। इसके अलावा इसी तरह की अजीब व गरीब मखलूकात का तज़किरा तारीख की किताबों में मिलता है और बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सबसे पहले ज़मीन पर 28 किस्म की मखलूकात आबाद थीं, फिर इनकी आपस में नस्ल चलते चलते इनकी तादाद 120 हो गई। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह बात मनकूल है कि इस ज़मीन पर 1020 मखलूकात आबाद थीं, जिनमें से 420 के लगभग तो सतह ज़मीन पर बसती थीं और दीगर समंदर में रहती थी। हिन और बिन नामी मखलूक के बारे में ये बात भी नकल की गई है कि बिन की नस्ल अपनी जिन्स के ज़रिए नहीं बल्कि मरने के बाद बढ़ती थी। ये ऐसी मखलूक थी जो शुरू शुरू में कीड़ों की तरह होती थी, फिर ये बढ़ते बढ़ते इंसान की तरह हो जाती और फिर बूढ़ा होकर मर जाती, और इसके मरने के बाद इसके जिस्म के आज़ा रेजा रेजा हो जाते और फिर इसके जिस्म के ज़र्रों से और मखलूकात पैदा हो जाती। जबकि हिन ऐसी मखलूक थी जो गीली मिट्टी और दरख्त के छिलकों से पैदा शुदा थी। यह हिन जब अपना पांव ज़मीन पर रखती थी तो इस जैसी कई और हिन पैदा हो जाती थी। इसके अलावा और भी बहुत सी मखलूकात इस ज़मीन पर आबाद थीं जिनका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। बाज़ लोग ये कहते हैं कि यह हिन और बिन नामी मखलूक याजूज और माजूज में से हैं, ये कोई अलग मखलूक नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं क्योंकि याजूज और माजूज तो इंसान हैं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं, ये कोई अलग मखलूक नहीं बल्कि इंसान ही हैं। इंसान और जिन्नात से पहले जितनी भी मखलूकात इस ज़मीन पर गुजरी हैं इनमें से कोई मखलूक भी मुकल्लफ न थी क्योंकि ये मखलूकात कामिल अक्ल व शऊर नहीं रखती थी। ये जानवरों की तरह अल्लाह के हुक्म और शरीयत की पाबंद नहीं थी। इनके बाद में जिन्नात और इंसान वो पहली मखलूक हैं जो अल्लाह के अहकाम के मुकल्लफ बनाए गए। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इन मखलूकात में से आज कोई भी बाकी नहीं रहा, ये सब फना हो गई क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह ने इंसान और जिन्नात के लिए बनाई है, क्योंकि यही वो मखलूक हैं जिन्हें इस ज़मीन पर इम्तिहान के लिए पैदा किया गया है और आखिरत में इन्हीं से हिसाब किताब होगा। वल्लाहु ताला आलम। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इजहार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।